हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम ये पार्ट कट्या में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पार्ट का ये टॉप व्यू का स्केच क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, स्केच पोजिशनिंग करता हूँ और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोइंसाइड, ये लेंथ दिया है 16 mm, सेंटर से एक साइड 8 mm, यहाँ पे टोटल एंगल है 40 डिग्री, सेंटर से एक साइड 20 डिग्री। इसके बाद ये विड्थ दिया है 32 mm, ये सेंटर डिस्टेंस है 45 mm। इसके बाद हमें इस पार्ट का टोटल लेंथ दिया है 120 mm का। तो हम यहाँ पे टॉप व्यू का इस अंदर वाले एज तक स्केच क्रिएट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 120 माइनस थिकनेस 4 mm। तो ये एज से एंड तक 120 माइनस थिकनेस 4 mm यानी 116 mm। इसके बाद यहाँ पे सर्कल डायमीटर दिया है 16 mm और सेंटर डिस्टेंस है 45 mm। तो इस स्केच को पैड करता हूँ, इसका थिकनेस हमें दिया है 4 mm। तो इसके बाद अब मैं ये आगे वाला रेक्टेंगुलर प्लेट क्रिएट करने जा रहा हूँ एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर रेक्टेंगल लेंथ 16 mm, सेंटर से एक साइड 8 mm, थिकनेस 4 mm और इसका पैड वैल्यू हमें दिया है 65 mm। तो अब मैं ये एक्सटेंडेड पोर्शन क्रिएट करूँगा। तो ये टॉप फेस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर स्केच क्रिएट करता हूँ, थिकनेस 4 mm, ये लाइन एज के साथ कोइंसाइड, एंगल दिया है 50 डिग्री का, इंक्लाइन लेंथ 22 mm। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर प्रोवाइड करना है, तो ये रेडियस दिया है हमें 10 mm और इनसाइड कॉर्नर का रेडियस हो जाएगा आउटसाइड रेडियस माइनस थिकनेस यानी 10 माइनस 4 6 mm। वर्टिकल लेंथ 7 mm। तो हमारा स्केच कंसिन हो गया, इसका पैड वैल्यू हमें दिया है 15 mm। यहाँ पे हमें एच प्लेट प्रोवाइड करना है, तो डायमीटर है 15 mm, रेडियस हो जाएगा 7.5, ये ऊपर वाला एज और ये नीचे वाला एज। इसके ऊपर हमें होल क्रिएट करना है, तो डायमीटर दिया है 8 mm और ये हो जाएगा पॉकेट। इस वाले एज को एज प्लेट रेडियस 5 और इसके बाद नीचे एज प्लेट देना है, तो यहाँ पे इनसाइड एज प्लेट हो जाएगा आउटसाइड एज का रेडियस माइनस थिकनेस 4 यानी 16 माइनस 4 12 mm और आउटसाइड रेडियस 16 mm। और इसके साथ ही हमारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।